वेलकम फ्रेंड्स, आपकी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की क्लास में आज हम लोग देखेंगे पूर्णांक एवं परिमेय संख्याएं। पूर्णांक संख्या जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटीगर नंबर और परिमेय संख्या को बोलते हैं रैशनल नंबर। इसके पहले की कई कक्षाओं में इससे संबंधित आपने पढ़ लिया था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में ये नाम का चैप्टर है कि नहीं, पूर्णांक एवं परिमेय संख्याओं का घातांक के रूप में लिखना। इस नाम से एक नया पार्ट है ना, एक नया चैप्टर है। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे पूर्णांक क्या होता है और परिमेय संख्या क्या होता है, दोनों अलग अलग। आपने सुना होगा धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, जिसे पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर बोलते हैं। ये जानते हैं जहां पे बीचों बीच में जीरो होता है, इसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, इस रेखा को क्या बोलते हैं, मतलब ऐसे लिख, ये होता है संख्या रेखा। संख्या रेखा, देखिए संख्या रेखा पे जो अंक संख्या रेखा के दाहिनी तरफ होते हैं वह धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं, और जो बाई तरफ होते हैं क्या कहलाते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। अब इसे अगर पूर्णांक की परिभाषा अलग अलग देना है तो यहां से आप दे सकते हैं कि संख्या रेखा पर वह संख्या, वह अंक या फिर संख्याएं जो दाहिनी तरफ होती हैं वह धनात्मक पूर्णांक, और जो बाई तरफ होती हैं वह ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। इसके बाद आगे देखेंगे कि कैसे इसको समझते हैं। अगर केवल पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक होता है, मतलब माइनस में भी काफी संख्याएं होती हैं, इसका कोई लिमिट नहीं होता है, और प्लस में भी काफी संख्याएं होती हैं। तो इस तरह से हम लोग आगे देखेंगे, ये हो गया पूर्णांक। अब परिमेय संख्या, इसके बारे में आप लोगों ने पहले भी काफी पढ़ा है कि वह नंबर जिनको पी अपान क्यू के रूप में लिख सके वो क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि पी बटा क्यू के रूप में लिखना, मतलब जो संख्याएं, जैसे कि ये हैं एग्जांपल में, बताइए 5 परिमेय संख्या है कि नहीं, है कि नहीं, परिमेय संख्या है, इसको हम लिख सकते हैं 5/1। देखिए ये पी बटा क्यू के रूप में है, मतलब ना तो इसपे अंडर रूट माइनस लगा है ना इसमें अंडर रूट माइनस लगा है। उसी तरह से अगर हम पी अपान क्यू के रूप में लिखे अंडर रूट 5 को, तो क्या एक परिमेय संख्या है, नहीं, नहीं है, क्योंकि इसको भी हम 1 लिख लेंगे, बट ये क्या होगा, पी का वैल्यू जो है 5, ये अंडर रूट में है, जो कि ये इसके बराबर नहीं है, यानी कि इसकी कंडीशन को फॉलो नहीं करता। तो सिंपल में जान लीजिए कि जो संख्याएं यानी कि पूर्ण संख्याओं के रूप में आती हैं लगभग में, वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अंडर रूट 25 परिमेय संख्या होगी कि नहीं, अंडर रूट 25 बताइए, आप बताइए परिमेय संख्या होगा कि नहीं अंडर रूट 25, क्योंकि इसका वर्गमूल करेंगे तो 5 आ जाएगा, जो कि एक पूर्ण संख्या के रूप में आएगा, है ना, तो 5/1 यानी कि परिमेय संख्या होगी। अब बात आती है मेन टॉपिक पे चलते हैं, घातांक के रूप में लिखना, मतलब कोई संख्या को घात के रूप में कैसे लिखते हैं। इसके पहले आप लोगों ने घात वाला टॉपिक पढ़ लिया, घातांक की अवधारणा, उसमें घातांक के कुछ आपने नियम पढ़ लिए थे, लेकिन अब पूर्णांकों को घातांक के रूप में कैसे लिखेंगे इसको देखिए। जैसे हमने लिखा एक छोटा सा क्वेश्चन, बिल्कुल छोटा सा, वो है 4 × 2 की घात के रूप में मान होगा, इसको सभी लोग बता लेंगे, कोई ऐसा नहीं होगा जिसको ना आए, कितना आएगा, 2/2। ऑप्शन नंबर पहला है 4 की घात 1, दूसरा है 2 की घात 3, तीसरा 2 की घात 2, और चौथा है 2 की घात 5।
सी नंबर ऑप्शन सही होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, ये सब देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। आप लोग जल्दी से क्लास को लाइक कर दें और फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखिए पहले घात का मतलब क्या होता है। जैसे कि हम किसी भी संख्या का गुणनखंड करें, गुणनखंड करना आप सभी लोग जानते हैं, दो दुना चार और फिर दो एकम दो। तो जो इसके गुणनखंड करने पर आते हैं यानी कि गुणांक, वही क्या होते हैं, घात में भाग लेते हैं। यानी हम इसे लिख सकते हैं चार बराबर दो गुणा दो, दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए, दो का दो में गुणा करेंगे तो चार आ जाएगा ना। और ये दो जो है दो बार शामिल है, इसलिए हम दो की घात यहाँ पर दो लगा सकते हैं। समझ में आया? अगर यहाँ पर हम करें दो दुना चार दुना आठ, जैसे अगर यहाँ पर हमने लिख दिया आठ, तो ये दो चौक आठ आता और दो दुना चार और दो दुना चार, अब इसका उत्तर क्या आता, दो की घात तीन हो जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो जो है वो तीन बार शामिल है, इसलिए इसकी घात तीन हो गई और इसकी घात दो हो गई क्योंकि दो बार शामिल है। और इसी तरह से हम लोग आगे देखेंगे, जैसे कि कुछ अगर बड़े सवाल आ जाते हैं तो उनको कैसे करते हैं। माइनस वाली संख्याओं को भी ऐसे ही किया जाता है। ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल देखिए, जैसे 16 है, 16 का 2 की घात के रूप में मान कितना आएगा, जल्दी से बताइए, आप लोग बताइए और आप लोग कमेंट करके बताइए। 2 की घात 4, 5, 3, 2, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए कैसे होगा, ये एक एक काटेंगे अलग से इसको, तो 16 तीन दो से काटेंगे तो ये दो चौका आठ है ना, ऐसे तो होगा, दो दूना चार, दो एक कम दो। यहाँ ये चार बार दो से कट रहा है, चार बार कट रहा है तो दो की घात हो जाएगी चार। और जैसे कोई भी संख्या दी गई है, बड़ी संख्या दी गई है, तो उसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे, ये तो दो से कटने वाली संख्या है। जैसे देखिए तीसरा सवाल, अब परिमेय संख्याओं को घातांक के रूप में लिखना। अब जैसे तीसरा सवाल में हमने लिख दिया 9/25 की घात के रूप में मान होगा, 9/25 का घात के रूप में मान क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर पहला है 3/2/5 घात 1, दूसरा है 3/2/5/2, तीसरा है 5/1/3/2, चौथा है नॉन ऑफ दीज। देखिए इसमें एक एक अलग अलग करेंगे, 9 के लिए पहले देखेंगे कितनी घात लगती है, कैसे करेंगे, फिर 5/25 वाला देखेंगे, दोनों की अलग अलग बेस पर घात होगी और गुणनखंड वैसे ही करेंगे। जैसे 9 का करेंगे तो 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3 यानी कि 9 = 3 × 3, वैसे 25 का करेंगे अलग अलग तो 25 का हो जाएगा 5×25 और ये 5 × 5 यानी कि 25 = 5×5 होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3×3 दो बार आया इसलिए 3/2 और ये 5×5 दो बार आया इसलिए 5/2, 9 ऊपर था इसलिए 3/2 ऊपर होनी चाहिए और 5 नीचे था इसलिए इसकी घात नीचे होगी। ये हो गया इस तरह से सिंपल में इसका मान। लेकिन इसमें बहुत सी संख्याएं बड़ी बड़ी दी होती हैं जिनको लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, उनको भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए, 144 और ये है 289 का घात के रूप में मान क्या होगा। सभी लोग जल्दी से करके कमेंट करें। पहला ऑप्शन है 12/3 और 15/2,
दूसरा ऑप्शन है 12 की घात 2, 13 की घात 2, तीसरा है 12 की घात 2, 17 की घात 2, चौथा है 9 of these। आप लोगों को हमने बताया था कि पहले वर्ग याद कर लीजिए, संख्या और वर्ग। पीछे की क्लास में आपने देखा होगा संख्या 2 है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, इस तरह से 10 का वर्ग 100 और 11 का वर्ग 121। अगर आप वर्ग याद करते हैं तो आपके लिए बहुत सा बेनिफिट होता है, क्वेश्चन करने में हल नहीं करना पड़ता है, आसान हो जाता है। लेकिन अगर नहीं करते हैं तो फिर खुद ही देखना पड़ता है क्या करेंगे। जल्दी से करिए, फटाफट नोट करिए। देखिए अब इसमें हम एक एक का वर्ग करेंगे। अगर आपने वर्ग याद किया होता तो आपको पता हो जाता कि 12 का वर्ग जो है वो 144 होता है, बिना गुणनखंड किए हुए आप बता सकते थे। उसी तरह से 289 जो है किसका वर्ग है, जल्दी से बताइए, नहीं कर पाए। शायद मतलब कंफर्म नहीं है। हाँ देखिए, इसको पहले आप काटेंगे, अगर कुछ नहीं पता है तो ऐसे काटेंगे इसको 2 से, तो 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 4, फिर 2 से काटेंगे 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12, 2 से काटेंगे 18, फिर 2 से काटेंगे 9, फिर 3 और ये 3, इस तरह से ये आएगा 2 की घात कितना 4 और 3 की घात 2, है ना। तो ये 12 की घात के रूप में कैसे इसको आप देखिए, लेकिन अगर ऐसे हम करते हैं तो ये बन जाएगा 2 की घात 4 और 2 × 3 = 2, है ना। 2 × 2 = 4 मतलब ये 16 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये तरीका भी सही है, प्रॉब्लम ये है कि इसमें हमारा ऑप्शन नहीं मिलेगा, इस तरह से कोई भी ऑप्शन इसमें है नहीं इस रूप में। तो यहाँ पर एक बात साफ साफ दिख रही है कि जो भी ऑप्शन है वो 12 की घात के रूप में है ना। तो 12 की घात के रूप में लिखा गया अगर, तो इसे हम 12 से ही काटेंगे 144 को, क्योंकि उसी के रूप में ऑप्शन आ रहा है। तो 144 को आप 12 से काटेंगे तो 12 एक कम ये हो जाएगा 12, 2 बचेगा, 12 × 2 = 24, यानी 12 आएगा, फिर 12 से काटेंगे एक आएगा, इस तरह से 12 की घात 2 होगा, ये 3 नहीं होगा। तो इसमें 3 है ये गलत है बिल्कुल, ये और ये इसमें से कोई एक सही हो सकता है। अब 289 वाला क्या करेंगे, इसको भी ट्राई करेंगे किससे कटेगा ये, क्योंकि देखिए इसमें एक ऑप्शन से अगर चले हम लोग तो 289 में देखिए 15 की भी घात है मतलब हो सकती है, और 13 की और 17 की, इसमें 3 हो सकता है। तो पहले 13 से इसको ट्राई करते हैं, देखिए कटेगा कि नहीं, जानने को तो आप लोग जान ही रहे हैं किसका है ये। 13 से भाग करेंगे कितना बार जाएगा, 13 कम 13 और 15 आएगा, 15 बच जाएगा 159, 159 नहीं कटेगा 13 से, 15 से काटेंगे 15 × 1 = 15, 13 बचेगा 139 भी नहीं कटेगा, अब बचा 17, 17 से काटेंगे तो 17 × 1 = 17 और ये बचेगा 11, हो जाएगा 119 और 17 × 7 कितना होता है 119, फिर ये 17 से कट जाएगा, इस तरह से ये 2 बार कट रहा 17 से और ये हो जाएगी 17 की घात 2। अब आपने देखा होगा कि 12 की घात 2 और 17 की घात 2 ये आएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, है ना। तो ये गुणनखंड इस तरह से करने होते हैं, उसके बाद उनको घात के रूप में लिखना होता है। जैसे अगर कोई भी और भी छोटे नंबर ले लीजिए, अगर ये तरीका आप लोग समझते हैं तो आपके लिए आसानी होगी। ये सवाल नंबर चौथा था, आप सवाल नंबर पांचवा देखिए। जैसे यहां पर लिखा 343 और नीचे 729 का घात के रूप में मान क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। 7 की घात 3, 5 की घात 3, 8 की घात 3,
9 की घात 3 और एक है ये 4 की घात 3 9 की घात 3 और एक है 7 की घात 3 और 9 की घात 3। ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा? लगाए हुए हैं, लगाया आपने। देखिए अगर आपने वर्ग याद कर लिया तो आप बता ले जाएंगे बिल्कुल आसानी से, है ना। देखिए वर्ग आपने याद किया होगा तो आपको पता है 7 × 7 = 49 होता है, है ना। 7 की घात 3 मतलब 343, 9 × 9 = 81 होता है, यानी कि 9 की घात 3 का मान जो होता है वो 729 होता है। तो इसको रख लेंगे, इसी में मान हो जाएगा, यानी कि 7 की घात 3 और 9 की घात 3 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लिख लीजिए इसको जल्दी से फटाफट, फिर चलते हैं आगे। देखिए इसको आगे कैसे करेंगे, आप लोग जो लोग भी अलर्ट में हैं, यानी कि वो लोग जो भी व्हाट्सएप से जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं, नंबर ले लेंगे डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो अभी दे देंगे। आप लोग इस घातांक वाले चैप्टर में जो भी एग्जांपल है आपके बुक में, किस किस टाइप के सवाल अभी हाल ही में पूछे गए हैं उसको भेजिएगा, जिससे कि अगली क्लास में शामिल हो सके। इसका मान कितना आएगा, -8 आएगा, +8 आएगा, 6 आएगा कि -6 आएगा। कुछ लोग क्या करते हैं ऐसे 2/3 6 बोल देते हैं, इसलिए हमने ऑप्शन में भी 6 लिखा हुआ है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं समझ के, लेकिन करेंगे। देखिए घात का मतलब क्या होता है, जैसे 2 की घात 3 लिखा है तो इसको आप लिखेंगे क्या, जो भी नंबर दिया है -2 × -2 × -2 3 बार है ना ये, तो उत्तर तो इसका क्या आएगा, 2 × 4 × 8 कुछ, जो 2/3 6 कर लेते हैं वैसे नहीं होगा, क्योंकि जितना घात है उतना बार इसको गुणा करते हैं तो 8 आएगा। आप कंफ्यूजन होता है चिन्ह का कि प्लस होगा कि माइनस होगा, इसके लिए कॉन्फिडेंस एक ही, यही जान लीजिए कॉन्सेप्ट की अगर दी गई संख्या का घात विषम है तो उत्तर किस में आएगा, माइनस में आएगा, अगर घात सम है तो उत्तर प्लस में आएगा। बस इतना जान लीजिए, अगर घात ये विषम है 3 ना तो इसका मतलब माइनस में आएगा, अगर इसकी घात प्लस हो जाए यानी कि यहां पर 8 हो जाए। अब इसका उत्तर जो भी आएगा इससे नहीं मतलब, लेकिन जो आएगा वो प्लस में आएगा, ये जान लीजिए। आप चाहे जितना जगह हल करेंगे इसी तरह सेम टू सेम होगा। ये तो इतना हो गया, इसी तरह का अगर एक सवाल और हम लिख के दें तो देखिए उसमें काफी कंफ्यूजन होगा। जैसे आपने देखा अभी वो क्या था, आपने देखा -2 का घात 3 था, अगर इसी को हम 2 की घात -3 कर दें, अब इसका मतलब क्या हुआ। देखिए इसका बिल्कुल उससे रिलेटेड ये नहीं है, इससे एक दूसरे से दोनों एकदम अलग अलग है। इसका मान क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 है, -8 होगा या 1/8 होगा, -1/8 होगा या नॉन ऑफ दीज होगा, आप बताइए क्या होगा, कोई ऑप्शन सही है नहीं सही है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, जैसे अगर कहीं पर आपने लिखा हुआ है 1/4, इसको आप लिख सकते हैं 1/2 की घात 2, लिख सकते हैं ना, लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिखें ऊपर ले जाएं, यानी कि घात है ना 2 की घात 2, तो नीचे ये अंश में है ना पूरा, अगर इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो घात माइनस हो जाती है, यानी ये कॉन्फिडेंस इसमें वो कॉन्सेप्ट लगता है 1/m = m^-1 घातांक में, यानी कि ऊपर जाने पर घात क्या होती है, माइनस हो जाती है। तो इसी बेस पे अगर हम चलें तो इसका उत्तर आप लोग समझ गए होंगे कि ये अगर प्लस होगा तो ये इतना होगा, इतना रहा होगा, है ना, ऐसे रहा होगा। इसका मतलब अगर ऐसे रहा होगा तो इसका मान 8 रहा होगा, अगर ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही है, जल्दी से नोट कर लीजिए।
एक बात जान लीजिए कि सभी क्लास जो है वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होती है, ये नहीं जरूरी कि ये डीएलएड के लिए है तो घातांक का चैप्टर और कहीं नहीं आएगा, आपके और सभी परीक्षाओं में भी आता है। बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए सभी क्लास को देखें, कोई भी क्लास ना छोड़ा करें, जितना भी क्लास चले सभी क्लास को देखें और टाइम से देखें। ये हो गया इस तरह से। अगर एक सवाल और इसमें हम देते हैं उसको भी देखिएगा, इसी में थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा तुरंत। 2 की घात -3 और ये है 2 की घात, इसमें मानते हैं कि हमने लिख दिया 2। अब बताइए इसका उत्तर कितना आएगा। पहला ऑप्शन है 8/4, दूसरा ऑप्शन है -8/4, और तीसरा ऑप्शन है 2/3, चौथा ऑप्शन 9/3। जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 8 भी आपके सामने आ रहा है। 2 की घात -5/3 जो है वो कर लीजिए इसमें 2 ही की घात -2। जल्दी से बताइए इसमें दोनों में क्या आएगा, ऑप्शन लिख दें अगर हम इस सवाल में तो। इसको देखिएगा, ऑप्शन नंबर जो पहला है वो हो जाएगा 1/8, 1 -1/8, सी नंबर हो जाएगा 1/4 और डी नंबर हो जाएगा 1/2। इनमें से कौन से होंगे, आप लोगों ने कमेंट कर लिए होंगे 8-9 में सब में, तो हम आगे बताते हैं कैसे होंगे और क्यों होंगे। डी होगा। कौन सा नंबर? डी तो होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 7/8। देखिए 7 अलग है 8 अलग है, तो पहले इसमें देखते हैं। इसमें देखिए बेस एक समान है, दोनों में 2 है ना, तो ये ऊपर जाएगा तो घट सकता है उसमें से, मतलब इसमें से घट सकता है -2 और ये चिन्ह माइनस हो जाएगा तो -, इसकी घात हो जाएगी -5। लेकिन इसका जो उत्तर है वो ऑप्शन जो है वो किसमें दिया है, बटे में दिया है, सीधा सीधा दिया है। इसका मतलब हम ऊपर का ऊपर हल करेंगे नीचे का नीचे, तो 2 की घात 3 का मान कितना आएगा, 8 आएगा। माइनस में आएगा प्लस में आएगा? प्लस में। 2 की घात 3 का मान माइनस में आएगा, क्यों अभी बताया था मैंने कि अगर घात विषम होती है तो उत्तर माइनस में आता है, सम होती है तो प्लस में आता है। इसका मतलब माइनस में यही एक ऑप्शन है और 2 की घात 2 का मतलब 4 सीधा सीधा, तो ये बी वाला सही होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं काट करके, -2 भी लिख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन जो दिया गया है वही सही करेंगे। समझ में नहीं आया सर? लेकिन जो अभी आपने बताया था इसको 2^-3 केवल मतलब नीचे बटे। हाँ, 2^-3 जो बताया था। हाँ एक मिनट देखिए जी, बिल्कुल सही है। हाँ जैसे कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, इसको देखिएगा, इसको एक तरीका से और ये भी कर सकते हैं, इसमें से भी नॉन ऑफ डीज सही होगा। जी हाँ बिल्कुल सही है, आपका उत्तर नॉन ऑफ डीज होगा, इसमें कोई नहीं मिलेगा। क्यों? देखिए ये -8 कब होता, अगर ये -2 होता तब, घात माइनस में है ना। हाँ ये उल्टा हो रहा है, घात माइनस में है तो ऐसे नहीं हो सकता है, यहाँ माइनस होता अगर तो -8 हो जाता, तो ये ऐसे हो सकता है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, जैसे कि ये ऊपर जो प्लस में है वो नीचे आएगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाएगा, तो ये ऊपर से नीचे आ जाएगा, यानी कि ऊपर 1 हो जाएगा, ये 2 की घात 2 ऑलरेडी वैसे रहेगा, ये 2 की घात 3 प्लस हो जाएगा, मतलब कि ऊपर माइनस था नीचे प्लस हो जाएगा। अब इसे आप लिख सकते हैं 1/2 की घात 5, और 2 की घात 5 का अगर आप गुणा करेंगे तो इसमें से कोई मिलेगा नहीं वैसे, है ना, तो ये नॉन ऑफ डीज हो जाएगा। या फिर आप एक काम और भी कर सकते हैं, इसमें से 2 अगर ऊपर ले जाएंगे तो -5 हो जाएगा कुल मिला करके, वो मतलब वही होगा, चाहे तो आप 2 की घात -5 लिखें या 1/2 घात 5 लिखें, दोनों का मतलब एक होगा, जब भिन्न से ऊपर जाएगा तो प्लस में घात हो जाती है। समझ में आया?
अगर कोई कंफ्यूजन है तो इसमें पूछ सकते हैं। इसी तरह का एक सवाल और भी लिखिएगा, उसको भी आप लोग करेंगे, जल्दी से लिखिए फटाफट। इसको कैसे करेंगे देखिए, ये क्वेश्चन नंबर आठवां नौवां हो जाएगा, जो भी इसको लिख लीजिए। माइनस एक की घात सात और नीचे जो है वो है जीरो की घात दो। देखिए बहुत अजीब सा सवाल है ये, कितना आएगा इसको बताइएगा आप लोग। पहला ऑप्शन जीरो आएगा, दूसरा अनंत आएगा, तीसरा सात आएगा, चौथा एक आएगा। देखते हैं कितने लोग का सही होता है, जल्दी से सभी लोग कमेंट्स करके बताएं। आप लोग बताइए कितना आएगा। इसमें देखिए आपके चार ऑप्शन हैं, इनमें से हम कोई एक सही कर सकते हैं, बाकी सब नहीं। तो माइनस एक की घात सात, अभी आपने देखा था अगर किसी भी संख्या की घात क्या होगा, किसी भी संख्या की घात अगर विषम होती है तो उसका उत्तर माइनस में आता है। तो घात विषम है इसका मतलब उत्तर माइनस में आएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये माइनस एक की घात सात और एक की घात माइनस सात, इन दोनों में बहुत अंतर है। तो ये जो नियम मैं बता रहा हूं घात विषम वाला, वो इसमें लगता है, घात माइनस में नहीं होनी चाहिए। अगर ये घात माइनस में है तो इसका मतलब हुआ कि एक बटा एक की घात सात इस पे नहीं फॉलो होता, ये अलग चीज है, वो अलग है। तो घात माइनस में है, सॉरी घात जो है वो विषम है, इसलिए उत्तर माइनस में आएगा। और एक ये भी फैक्ट सही है कि एक की घात चाहे आप 1000 कर दीजिए उसका उत्तर एक ही आएगा, चाहे तो एक की घात 1,10,000 कर दीजिए उसका उत्तर एक ही आएगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि एक को जितना भी बार गुणा करेंगे एक ही आएगा, चाहे तो 2 बार करें चाहे 2 लाख बार करें एक ही आएगा। तो इसका मतलब यहाँ एक आएगा। जीरो का भी वही कंडीशन है, चाहे इसको जितना बार जीरो जीरो करेंगे क्या आएगा, जीरो ही आएगा। कुल मिलाकर के फाइनल में जीरो आ जाएगा, यानी कि 1/0। अब ये क्या होगा, अब कुछ लोग अक्सर लोग ये समझ रहे होंगे जीरो आएगा, उन्होंने जीरो कमेंट भी कर दिया, आप लोगों ने भी जीरो बता दिया, लेकिन जीरो नहीं आया, क्योंकि ये भाग देने पे कभी कटेगा ही नहीं। एक में जब आप जीरो से भाग देंगे जीरो जाएगा एक आएगा, फिर क्या करेंगे। अब आप ऊपर चाहे तो दशमलव बढ़ाएंगे या कुछ भी करें, दशमलव तो बढ़ेगा ही नहीं, अभी तो ये बड़ा है इससे, तो फिर 0 बार जाएगा। और हाँ, माइनस एक में भाग देना था ना, तो माइनस एक में आप भाग देंगे तो देखिए माइनस एक जो है वो छोटा है, माइनस एक क्या है, 0 बड़ा है, तो इसमें इसका भाग जाएगा नहीं वैसे भी। तो क्या हो सकता है, देखिए इसमें भाग भी नहीं जाएगा। अगर हम यहाँ पर दशमलव बढ़ा के 0 भी उतारते हैं तो ये और छोटा हो जाएगा उसके बगल जीरो लिखने पे, मतलब अभी तक तो माइनस एक था, यानी माइनस वन जीरो, जितना जीरो इसके बगल हम बढ़ाएंगे ये नंबर उतना ही छोटा होता जाएगा, क्योंकि पहले से ऑलरेडी माइनस है। तो इसमें इसका भाग हो भी नहीं सकता है, अनंत भी नहीं आएगा, इसमें एक ऑप्शन और भी होना चाहिए नॉन ऑफ दीज। तो ये ऐसे हो सकता है ई वाला ऑप्शन नॉन ऑफ दीज, क्योंकि ये उसके आगे हल नहीं होने वाला, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप लोग, कोई कंफ्यूजन है तो निसंकोच पूछ सकते हैं, नोट कर लीजिए जल्दी से, कर लिए ना, अगर नहीं लिखा तो थोड़ा सा पीछे करके लिख लीजिए। ये क्लास अब यहीं पर खत्म हो जाएगी, इसके बाद आप लोग आगे देखेंगे, आपकी अगली क्लास होगी, ठीक है। ये नंबर नोट कर लीजिए, अगर हर दिन क्लास करना चाहते हैं तो क्लास ज्वाइन कर लीजिए, इस पर JYN ज्वाइन लिख कर भेजेंगे, आपको प्रोसेस बताया जाएगा, आप क्लास ज्वाइन कर लेंगे तो आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो निसंकोच आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी पढ़ाई से संबंधित किसी भी प्रकार की सलूशन के लिए विजिट करें pbrstudy.com अवश्य विजिट करें, जिससे कि आपको आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारियां मिल सके और आपके करियर से रिलेटेड यहां पर महत्वपूर्ण आपको अपडेट मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा पीबीआर स्टडी के ऑफिशियल फेसबुक पेज को अवश्य लाइक करिएगा,
जिससे कि आप इस क्लास को फेसबुक पर भी देख पाए। अगर आप ये क्लास फेसबुक पर देख रहे हैं तो यूट्यूब या गूगल पर सर्च करें पीवीआर स्टडी और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और देखते रहें, दिखाते रहें। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। कृपया इस क्लास को अपने मित्रों में शेयर करके जाइएगा और लाइक अवश्य करिएगा। ठीक है ना, फिर मिलते हैं एक नई क्लास में। थैंक यू।